मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। इसके आगे का एक नियम है जो बहुत जरूरी है आप सबको फॉलो करना, वो ये कि कभी भी दही को नमक के साथ मत खाइए। बाकी दाल के साथ लस्सी एक घंटे बाद। दही को कभी भी नमक के साथ मत खाइए, दही को हमेशा मीठी चीजों के साथ खाइए। दही को शक्कर के साथ खाइए, दही को गुड़ के साथ खाइए, दही को बूरे के साथ खाइए, दही को खांड के साथ खाइए, दही कभी भी नमक के साथ। क्यों? मैं आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं। आप बाजार में जाइए, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान से एक लेंस खरीद लाइए, छोटी चीजों को बड़ा दिखाने वाला जो लेंस होता है मिल जाता है, 10-12 रुपए का आएगा। एक दिन लाके अपने दही पे लगा के देखिए तो इतने बैक्टीरिया दिखाई देंगे आपको जो करोड़ों की संख्या में। दही के ऊपर लगा के देख लीजिए, वो इधर जाते हुए उधर जाते हुए घूमते हुए टहलते हुए दिखेंगे। ये सब जीवित हैं और शरीर को ये चाहिए सब जीवित अवस्था में चले, क्योंकि ये बैक्टीरिया दही के साथ जब हम खाते हैं तो अंदर जाके हमारे जो एंजाइम सिक्रीशन है उसको ये बैक्टीरिया बहुत मदद करते हैं। तो दही हम खाते हैं बैक्टीरिया के लिए, जीवाणुओं के लिए दही खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है जीवाणुओं का घर, और एक दो नहीं करोड़ों। एक कप दही में अगर कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा जीवाणु। अब होता क्या है कि ये 1 कप दही में जो 1 करोड़ जीवाणु है ये जीवित आपने खा लिए तो बहुत अच्छा है, शरीर को बहुत काम आने वाले। लेकिन उसी 1 कप दही में 1 चुटकी नमक आपने डाला, 1 मिनट में सारे जीवाणु मर जाएंगे। 1 ही मिनट लगता है उनको मरने। अब वो मर गए तो आपने दही नहीं खाई है, जीवाणुओं की लाश खाई है। वो दही नहीं रह गया, वो जीवाणुओं की लाश हो गया। अब वो अंदर गया तो दही के नाम पे आपने खा तो लिया लेकिन उसके जो फंक्शन है बॉडी के लिए वो काम नहीं आने वाले। बहुत अच्छा सवाल है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। थोड़ी देर में मैं बात करूंगा जीवाणुओं पे, तब इसमें से क्लेरिफाई हो जाएगा। अभी जो बात चल रही है वो ये कि 1 चुटकी नमक डालते ही 100 किलो दही के सारे जीवाणु मर जाते हैं 1 चुटकी। हाँ, ये बात सही है। दुनिया में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है। हम थोड़ी देर में इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। दही में 1 चुटकी नमक डालते ही सब मर जाते, क्योंकि नमक के जो केमिकल्स हैं वो जीवाणुओं के दुश्मन है। सारे नमक के सारे केमिकल्स जीवाणुओं के दुश्मन है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दही में कोई ऐसी चीज खिलाइए जो जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाए, मारे नहीं, खत्म ना करे। इसलिए कहा गया है दही को गुड़ के साथ खाइए। गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर गुड़ मिलाकर रख दीजिए, इतनी तेज उनकी ग्रोथ है। दही में बूरा डाल दीजिए, बूरा समझते हैं, तो दही में बूरा डाल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। एक दिन आप ये कर लीजिए मेरे कहने पर, 15 रुपए का लेंस आएगा, लाइए, खर्चा करिए, सवेरे से शाम तक ये एक्सपेरिमेंट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवाणु कितनी तेज मल्टीप्लाई करते हैं मीठी चीज डालने। चीनी भी डालें तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुड़ डालें तो और ज्यादा होता है, बूरा डालने पर सबसे ज्यादा होता है। और एक मिश्री आती है, मिश्री, वो पीस के दही में डाल दीजिए तब तो अद्भुत होता है, सोने में सुहागा। भगवान कृष्ण दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। तो आप जो है दही को खाने का नियम तरीका थोड़ा बदलिए। मैंने पंजाब में बहुत लोगों को देखा दही में नमक डाल के खाते हैं या लस्सी में नमक डाल के। ये लस्सी नमक के साथ नहीं खाई जाती, गुड़ के साथ खाई जाती है, खांड के साथ खाई जाती है, चीनी के साथ खाई जाती है। मुझे पुराने समय का याद आता है कि हम लोग हमारे मामा के घर जाते थे दही बूरा खाने के लिए। दही नमक खाने के लिए कभी कोई कहीं नहीं जाता, दही बूरा खाने जाते थे। और दावतें होती थी गांव में तो दही के साथ बूरा ही डाला जाता था। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो सब। अब शुगर जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो तो पूरे देश की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के तरीके मैं बता दूंगा, वो आप करते हुए दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन दही के लिए विशेष मैं आपसे कह रहा हूं कि दही में नमक नहीं। और इसी तरह का और एक नियम है, वो ये कि दूध खाते हुए या दूध पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना हो। दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं। अगर कोई चीज दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहे हैं तो दूध की चीज ना हो। अब आप कहेंगे इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ऐसे इम्पॉसिबल है कि खीर खानी है और सब्जी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल। तो मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए, खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उस दिन, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला, वो रास्ता ये दिया उन्होंने कि अगर आप दूध को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूध की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं तो नमक बदल दीजिए अपने घर का। नमक लाइए सेंधा, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, वो नमक खाइए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।